नमस्कार दोस्तों, यह है Realme C15 स्मार्टफोन। इसके कैमरे मोड में आप दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाने के लिए 10x तक जूम कर सकते हैं। अगर आप फोटो क्लिक करने के लिए ज़्यादा देर तक प्रेस किए रहेंगे तो ये एक बार में 20 इमेज क्लिक कर लेता है। इसके पोर्ट्रेट मोड से इमेज क्लिक करने पर एवरेज इमेज निकल कर आ रहा है। उतना बढ़िया भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर फोकस तो ये ठीक ठाक कर ले रहा है, लेकिन बैकग्राउंड बढ़िया से ब्लर नहीं कर पा रहा है। इमेजेस के पीछे के बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं, उतना ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा हम माइक्रो लेंस के इमेजेस को देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड के इमेजेस को। तो दोस्तों, इसके वाइड एंगल कैमरे से और अल्ट्रा वाइड एंगल के कैमरे से दोनों से एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर कर ले रहा है, जिससे इमेजेस देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल वाइट सा दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा एरिया दिखाई दे रहा है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आप 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फुल HD और HD में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन 4K का अलग से कहीं भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो फुल HD की वीडियो से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इसके फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय EIS का कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसमें वीडियो स्टेबल आपको नहीं मिलेगा। कुछ आउटडोर की वीडियो शूट किया हूँ, उसे आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों, इसमें वॉकिंग करके हम देख चुके हैं, इसमें EIS का कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग में है और ना ही HD की वीडियो रिकॉर्डिंग में है। अब हम देखेंगे इसमें फास्ट प्ले की वीडियो और उसके बाद स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे।